बहुजन मीडिया ही आपकी मीडिया है, इसे मजबूत बनाने के लिए बी मिशन टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं हर खबर देखने के लिए। जय भीम साथियों, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हैं बी मिशन टीवी यूट्यूब चैनल को। आज हम आपके बीच हाजिर हुए बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी तमाम खबरों को लेकर। साथियों, खबरें किसान आंदोलन, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी व बहुजन समाज के व्यक्तियों से जुड़ी हुई है। साथियों, हम आपको सभी खबरों को विस्तार से समझाएंगे, जो भी 24 घंटे में खबरें बनी हैं और जो भी उन सभी खबरों का निचोड़ करके आज की इस वीडियो में खबरें विस्तार से समझाएंगे। और साथियों, अब होगा बड़ा बदलाव और अब आएगा मज़ा। आखिर कैसे होगा बड़ा बदलाव, आज की इस वीडियो में विस्तार से सभी खबरों पर बातचीत करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमारा आपसे छोटा सा निवेदन है, वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो बहुजन समाज की प्रमुखता से खबर दिखाने वाले बी मिशन टीवी चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। साथियों, अब हम आपको सभी खबरों को विस्तार से समझाते हैं। जैसा कि हम आपको बताने की कोशिश करें, उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं 2022 में चुनाव। साथियों, अब यहां पर कैसे क्या बदलाव होने वाला है हम आपको बता दें। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर हर एक पार्टी का कार्यकर्ता व पदाधिकारी एक्टिव है, वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से एक्टिव है। साथियों, हम आपको बता दें, जिस तरीके से अगर समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी या बहुजन समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहन कुमारी मायावती जी, उनकी सरकार में व उनके हाथों से जो भी कार्य हुए थे, जो भी एक्सप्रेस वे का निर्माण हुआ या किसी पार्क का निर्माण हुआ या किसी यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ, उन सभी कार्यों को अब सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से शेयर किया जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि हमारी सरकार में बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े कार्य हुए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी भी शेयर कर रहे हैं अपने कार्यों को और सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा फोटो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रहे हैं। और साथियों, क्योंकि 2022 में चुनाव बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुका है, साथियों जो भी पार्टी है, हमें तो लग रहा है कि अभी एक साल है, पर साथियों उनके लिए पता नहीं, उनके लिए कार्य करते करते, पार्टी को मजबूत करते करते कब एक साल बीत जाए ये कोई कहा नहीं जा सकता। साथियों, अब सबसे बड़ी खबर निकल कर आती है, जो कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है बहन कुमारी मायावती जी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के दिन एक बड़ा बयान दिया और एक ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती का कहना है कि उत्तर प्रदेश दिवस पर सभी को हार्दिक बधाइयां व शुभकामनाएं। देश की सबसे बड़ी आबादी वाले प्रदेश के लोगों की सुख शांति संप्रदाय व आत्मनिर्भरता के लिए BSP सामाजिक व राजनीतिक तौर पर सत्य संघर्षित है। सत्ता की शांति निश्चय ही इसमें और भी ज़्यादा मददगार साबित हो सकती है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का इस ट्वीट का साफ साफ मतलब समझिए। मायावती जी का कहना है कि जो उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश है, उसके जो व्यक्ति हैं जो भी आत्मनिर्भर हैं, और जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार आ जाएगी तो बहुत ही ज़्यादा मददगार बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश वासियों के लिए मददगार साबित होगी। साथियों, उत्तर प्रदेश दिवस के ही दिन, जो कि 24 जनवरी को, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बहुत ही ज़्यादा बड़ा बयान देते हैं। साथियों, अखिलेश यादव जी जो बयान देते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया पर छा रहा है, उनका जो बयान है उसे पसंद किया जा रहा है व्यक्तियों द्वारा। साथियों, हम आपको बता दें कि आखिर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी क्या कुछ बयान देते हैं। अखिलेश यादव जी 24 जनवरी को यानी कि उत्तर प्रदेश दिवस के ही दिन ट्वीट करते हैं, और साथ ही उनका जो ट्वीट है वो उत्तर प्रदेश दिवस से ही जुड़ा हुआ है। अखिलेश यादव जी का कहना है, आइए हम सब मिलकर एक ऐसा नया उत्तर प्रदेश बनाएं जिसमें हम हर दिन खुशहाली का उत्सव मनाएं। अखिलेश यादव जी का कहना है कि एक ऐसा नया प्रदेश बनाएं जो कि हर दिन एक खुशहाली का जो उत्सव मनाए। साथियों, आगे जो कुछ भी कहना है वो आप समझ जाओगे आखिर अखिलेश यादव जी ने ये सबसे पहली वाली लाइन क्यों ऐसी लिखी। उत्तर प्रदेश देश को सर्वाधिक प्रधानमंत्री व मानव संसाधन देने वाला प्रदेश रहा है। अर्थव्यवस्था कृषि के क्षेत्र में यूपी का योगदान सदैव अग्रणी रहा है। यानी कि अखिलेश यादव जी का कहना है कि जो भी कार्य सही, चाहे किसी भी कार्य को ले लो, राजनीतिक, कृषि और
अर्थव्यवस्था, इसमें उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा जो अहम योगदान रहा है और सबसे आगे उत्तर प्रदेश ही रहा है। पर साथियों यहाँ पर अगली लाइन में अखिलेश यादव जी ने बहुत ही ज़्यादा कड़ा निशाना साध दिया है, जो भारतीय जनता पार्टी है उस पर निशाना साधा है। उन्होंने आगे लिखा है, भाजपा सरकार में उत्तर प्रदेश विनाश के रास्ते पर है। साथियों यहाँ पर आप समझ सकते हो कि अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश दिवस के दिन ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश के बारे में अच्छा भी लिखा, पर यहाँ पर भी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है उत्तर प्रदेश विनाश के रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। ये सब अखिलेश यादव जी ने ट्वीट करते हुए बोला है। आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय अवश्य देना अखिलेश यादव जी के इस ट्वीट के बारे में। साथियों अगली खबर जो बताते हैं वो भी बहुजन समाज पार्टी के जो एकमात्र राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सुदेंद्र भदौरिया जी ने गणतंत्र दिवस के दिन व किसान आंदोलन जो चल रहा है, किसानों की जो परेड होने वाली है 26 जनवरी को, उसको लेकर बहुत ही ज़्यादा एक बड़ा बयान दिया है। साथियों आकर उन्होंने क्या कुछ बड़ा बयान दिया है आप खुद सुन। रिपब्लिक डे के मौके पर किसानों की योजना है कि 100 किलोमीटर का ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया जाए और उनका यह भी दावा है कि दिल्ली पुलिस से उन्हें अनुमति भी मिल गई। देखिए सबसे पहले तो मैं गणतंत्र दिवस पर पूरे भारत के सभी नागरिकों को इसकी बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ कि वो इसमें पर्व हमारे लिए है जिसमें हिस्सा ले रहे हैं। ये हमें परम पूज्य बाबा साहब द्वारा दिए हुए संविधान और लोकतंत्र की सबसे बड़ी धरोहर है, इसको सभी लोग मना रहे हैं। और किसान जो जिनका पूरा का पूरा देश सम्मान करता है, क्योंकि उन्होंने ही देश के वो अन्नदाता के तरह हमारे सामने प्रस्तुत हैं, इसलिए वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं, ट्रैक्टर रैली कर रहे हैं, जो कि उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। और मैं समझता हूँ उस अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करते हुए वो भी इस पर्व का हिस्सा बन रहे हैं। साथियों आपने सुना सुदेंद्र भदौरिया जी ने क्या कुछ बोला, और साथियों आप इनके बयान पर भी अपनी कमेंट बॉक्स में राय दीजिए, जिससे कि हमें पता चल सके आखिर आप कितने संतुष्ट हो बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी व बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी से। साथियों अब हम आपको बता दें कि आपको सभी को पता ही है कि जो किसान जो धरने में जाने वाला, जो परेड के लिए जाने वाला है 26 जनवरी को, जो तैयार हो रहा है किसान ट्रैक्टरों को ले लेकर और गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर जैसे बॉर्डरों पर पहुंच रहा है। और साथियों एक सरकार ने एक नया जो किया है कि ट्रैक्टरों में डीजल नहीं भराया जाएगा, यानी चौधरी राकेश टिकैत हैं जो कि उन्होंने फेसबुक से पोस्ट शेयर की थी, उसमें साफ साफ लिखा था पेट्रोल पंप के जो मशीन होती है उसमें लिखा था कि ट्रैक्टरों में कोई भी डीजल किसी भी प्रकार का ना भरा जाए। तो साथियों राकेश टिकैत ने जो बोल दिया है कि जिस तरीके से किसानों को रोका जा रहा है ये बहुत ज़्यादा गलत है, और जिस तरीके से निकोली जो कीलें होती हैं उनको बिछा दिया गया रोड पर, आप लगातार स्क्रीन पर तस्वीरें भी देख पा रहे होंगे, इस पर भी राकेश टिकैत ने बहुत ही ज़्यादा कड़ा निशाना साधा है और वो वीडियो भी हमने अपने चैनल पर चला रखी है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। और आप देख रहे थे बी मिशन टीवी यूट्यूब चैनल को। आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय दीजिए, अपनी कीमती प्रतिक्रिया दीजिए किसान आंदोलन के बारे में, बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी के ट्वीट के बारे में, अखिलेश यादव जी के बारे में, और किसकी सरकार आखिर उत्तर प्रदेश में आप चाहते हो, ये भी आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मैं विशाल कुमार फिर मिलता हूँ बड़ी खबर बड़ी जानकारी के साथ। जय भीम जय।